हेलो गाइस, मेरा नाम है सन्नी। आप देख रहे हैं पासी चैम्प और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुडेको ट्रैप्सूल्स के बारे में। बुडेको ट्रैप्सूल सिप्ला कंपनी का एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है और ये नेबुलाइजेशन में यूज़ होता है इनहेल के लिए। और मैं इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जो इससे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन है वो बताने की कोशिश करूँगा और ये किन किन बीमारियों में यूज़ होता है ये भी इसी वीडियो में बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आपके सामने है बुडेको 0.5 mg रैप्सूल्स और गाइज़ ये सिप्ला कंपनी का एक फेमस प्रोडक्ट है जिसमें साल्ट है, बुडेसोनाइट नेबुलाइजर सस्पेंशन आप पढ़ सकते हैं, इसे अच्छे से देख सकते हैं और 111.95 पैसे में आपको 5 रैप्सूल्स मिल जाते हैं। और इस वीडियो में इसी के बारे में कम्प्लीटली बात करेंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि ये रैप्सूल्स कुछ ऐसे हैं, इसमें आपको पर रैप्सूल 2 ml की मेडिसिन मिलेगी इसके अंदर। सस्पेंशन जो हैं ये 2 ml के हैं और नेबुलाइज़र में इसे यूज़ करते हैं। जब आप नेबुलाइज़र में इसे डालेंगे तो वेपराइज होती है और पेशेंट इनहेल करता है। आपने इस मेडिसिन का यूज़ इनहेलेशन के लिए यूज़ करना है, इस मेडिसिन का यूज़ आप इंजेक्शन या ओरल के लिए नहीं कर सकते, ऐसे में कोई एक्स्ट्रा दिक्कत हो सकती है। और इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसे नेबुलाइज़र में कैसे डालना है और कैसे यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद क्या क्या करते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें साल्ट क्या है। तो इसमें साल्ट है बुडेसोनाइट और ये एक तरह का कोर्टिकोस्टेरॉइड है। और गाइस स्टेरॉइड क्या होते हैं, स्टेरॉइड एक ऐसी चीज़ है जो अंदर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। ओके, तो पहले आप देख लीजिए इसे इंस्टॉल कैसे करना है। तो गाइस इसकी कैप को ऐसे ट्विस्ट करना है और नेबुलाइजेशन की जो मेडिकेशन चैम्बर है उसमें आपने इसे डालना है। तो नेबुलाइज़र के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो आई के बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप जो मेडिसिन है उसको डाल सकते हैं या इसको खोलकर भी डाल सकते हैं, देखिए कुछ ऐसे। और आप चाहें तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है तो खोलने की ज़रूरत नहीं है और हम ऐसे मेडिसिन को डाल देंगे दबा के। ओके गाइस, तो गाइस बुडेसोनाइट एक तरह का स्टेरॉइड है और स्टेरॉइड है तो ये दूसरी मेडिसिन के भी साथ यूज़ किया जा सकता है और शर्त ये है कि वो भी रैप्सूल होना चाहिए, जैसे एस्थलिन के रैप्सूल्स आते हैं, एडवालिन के रैप्सूल्स आते हैं। बुडेकोट अकेला यूज़ नहीं होता क्योंकि ये एक तरह का स्टेरॉइड ही है। और जब आप इसे यूज़ करें तो आपने डीपली सांस लेनी है, नाक की बजाय मुंह से सांस लेनी है। और गाइस ये अस्थमा को ट्रीट करने के लिए या COPD के पेशेंटों को ट्रीट करने के लिए या जिन्हें खांसी जुखाम है, स्नीजिंग है, कफ है, उन्हें उन पेशेंटों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और हर डॉक्टर ख़ास तौर पर अस्थमा को ट्रीट करने के लिए या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जिसको सांस बारी बारी चढ़ रहा है, जिनको दम आ रहा है, उन मरीजों के इलाज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और नेबुलाइज आपने लेना है डीपली ब्रीथ करके मुंह से, आपने गहरी सांस से लेनी है जब आप नेबुलाइज ले रहे हों। और जब आप नेबुलाइज ले लेंगे गाइस, उसके बाद आपने गार्गल करनी है और अपने फेस को धोना है क्योंकि ये एक तरह का स्टेरॉइड है और अगर आपकी स्किन के साथ रहेगा तो ये काफ़ी इरीटेट करता है और स्किन को, जो स्किन के सेल्स हैं उसको काफ़ी डैमेज कर सकता है। तो नेबुलाइज लेने के बाद फेस को धोना काफ़ी ज़रूरी होता है और गार्गल करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप गार्गल नहीं करेंगे तो जो इसका एक मेडिसिन का जो टेस्ट है काफ़ी कड़वा भी होता है, तो उस टेस्ट से भी आप बच सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा रिव्यू बुडेको ट्रैप्सूल्स के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर लें उन सभी लोगों के साथ जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मैं आपसे अगली वीडियो में फटाफट मिलता हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। ओके, टाटा, बाय बाय।